पापा भी बुलेट निकाल ही रहे हैं। अपन को तो यार इतना अजीब लगा, इतनी महंगी 2 लाख की गाड़ी पे कोई कबाड़ बेचने जा रहा है, कितना अजीब। तो कुछ होगा तो नहीं, पर अगर ये अंकल को दे दोगे तो ये रिसाइकल होके कुछ नया बन जाएगा। ओ गाइस, चुनाव की रैली, पुलिस वुलिस सब आ चुकी है, सभा हो रही है यार, क्या मस्त जाम लग रहा है। मोदी जी का डुप्लीकेट भी है वहाँ पे तो यार। हाँ अभी अपन जा रहे हैं फिर से डीवार, क्योंकि कल अपन से छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। स्विफ्ट डिजायर लेजेंडर। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं भी ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब भी ठीक होंगे। और गाइस आप अपने पीछे देख रहे हैं, इतना सारा कबाड़ बिखरा हुआ है और सारी दिवाली की सफाइयां चल रही हैं, यानी कि अपन भी कबाड़ इकट्ठा करेंगे और सारा कबाड़ कबाड़ी अंकल को बेच के आएंगे। तो पहले अपन नाश्ता वास्ता तो कर लें, पहले पेट पूजा कर लें, फिर उसके बाद अपन बेच के आ जाएंगे सारा कबाड़। तो फटाफट से अंदर चल के करते हैं नाश्ता, जिसमें बना हुआ है पास्ता। क्या मस्त राइमिंग हुई है यार, आपको कैसी लगी? अच्छी है। तो गाइस आज अपना बहुत सारा कबाड़ इकट्ठा हो चुका है दिवाली आते आते, तो सफाइयाँ चली रही है इसलिए इतना सारा कबाड़ निकल चुका है। और अपन अभी सारी की सारी प्लास्टिक का कबाड़ बेच रहे हैं, वो देखिए गाइस पीछे से पप्पा भी ला रहे हैं और पापा भी बुलेट निकाल ही रहे हैं। अपन को तो यार इतना अजीब लगा, इतनी महंगी 2 लाख की गाड़ी पे कोई कबाड़ बेचने जा रहा है, कितना अजीब लगा। अपन को दिवाली का त्यौहार निकल नहीं जाता ना जब तक ऐसे ही कबाड़ा लाते रहेंगे अपन, और ये जो कबाड़ी वाले अंकल हैं ये भी करोड़पति बनते रहेंगे। थोड़ा फिर से कबाड़ दे देते हैं, इससे रोल्स रॉयस तो आ ही जाएगी। और आज तो कबाड़ में से बहुत सारा काम का सामान भी निकल गया पहली बार। फाइनली अपन ने रुपीस ले लिया, अब अपन फटाफट ट्रेन को गिन के देख लेते हैं। इतने सारे कॉइन आ गए हैं गाइस, आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश नोट है और फ्रेश कॉइन है, बिल्कुल नए के नए। कबाड़ बेच के ज्यादा पैसे तो नहीं मिल रहे अपन को, पर हाँ कबाड़ इकट्ठा करने का भी कोई फायदा नहीं है। कबाड़ इकट्ठा करके अगर आप उतरा गाड़ी में डालोगे तो कुछ होगा तो नहीं, पर अगर ये अंकल को दे दोगे तो ये रिसाइकल होके कुछ नया बन जाएगा और आपको पैसे तो मिल ही जाएंगे ना, इसलिए अपन बेच देते हैं। और ये लैम्बोर्गिनी उरस आप देख ही सकते हैं, ये देखिए गाइस ट्रक लैम्बोर्गिनी उरस के लिए पीछे होता है और इस बार लैम्बोर्गिनी उरस उसके लिए पीछे हो रही है। वो देखिए गाइस एक और ट्रक आ गया। तो गाइस अपने पास वाले घर में डेथ हो गई थी, तो उसका थर्ड डे है आज, तो उसके लिए अपन अपनी गाड़ी को लगा रहे हैं वो गैराज वाली गली में, उसका नाम गैराज वाली गली पड़ चुका है। तो बता बच्चे वहाँ पे चल के लगाते हैं और वंशु चाचू अपनी बुलेट लेके वहीं पे मिलेंगे अपन को, तो वहाँ से अपन अपनी बुलेट उठाएंगे और अपन को जहाँ जाना है वहाँ पे चल देंगे। ये थी वो गैराज वाली गली और वो रे वंशु चाचू तो वहाँ पे अपना वेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अपन हेलमेट लाना भूल चुके हैं। चलिए गाइस पापा टाइम बचाने की सोच रहे थे लेकिन टाइम बर्बाद। अरे मैं छोड़ भी आऊंगा, छोड़ भी आऊंगा इसको, छोड़ आऊंगा हेलमेट, रुक जा रुक जा। Unexpectedly sometimes someone turns wrong। गाइस चुनाव की रैली, पुलिस वुलिस सब आ चुकी है, सभा हो रही है यार, क्या मस्त जाम लग रहा है भाई साहब। कितनी गाड़ियां खड़ी हुई है आप देख सकते हैं, ओ भाई बहुत भीड़ है गाइस। ये जो कैंडिडेट खड़े हैं ना, इन सबके सपोर्ट में आए ये सारे लोग, इसलिए इतनी भीड़ है गाइस। अभी अपन ने वहाँ पे देखा था कि मोदी जी का डुप्लीकेट भी है वहाँ पे, तो यार गाइस अपन थोड़ा लेट हो रहे थे, वरना अपन उनके साथ जाके वीडियो भी बनाते हैं। और गाइस ये रैलियाँ तो चलती रहेंगी, तो अगर अपन को वो अजमेर में फिर से कभी देखने को मिले तो अपन फिर से फोटो खिंचवाने के लिए चले जाएंगे, उनके पास मजा आता है। मस्त बाजार लगा हुआ है दिवाली की डेकोरेशन के लिए यहाँ पे। Just like you did, took me by surprise, made me complete, you changed my life। कोई मस्त बात बतानी थी आपको, याद होगा एक ब्लॉग में अपन को कलर पेंट लेने के लिए गए थे, तो है ना एक अंकल पता नहीं अपने ऊपर गाड़ी रौंदा रहे थे, तो अपने सिनेमेटिक्स के बीच में उनको भी ले लिया, तो वो डर गए कि मेरा वीडियो बना लिया इन्होंने, वीडियो से वो डर गए अपने वीडियो बनाने से वो अंकल। और अब उनको इतनी हंसी आई, वो उनकी उनसे गाड़ी नहीं चल रही पहली बात से, बस मजा है, गाड़ी रोक के खड़े हो गए वो साइड में। और ये कुछ नया भी बन रहा है यहाँ पे, सर्किल बन रहा है यहाँ पे ताकि सब इसके चारों तरफ चले अच्छे से। तो अभी अपन आए थे वैशाली नगर में क्योंकि पापा को कुछ काम था, इसलिए अपन आए
दिया, अपन नानी के घर छोड़ देना अपन को, तो अपन भी नानी से मिल ही लेंगे। Now I'm never leaving you, leaving your side, 'cause you're mine. इधर अभी अपन जा रहे हैं नानी के घर, पापा जा रहे हैं अपने काम से, जा रहे होने जाते हैं और मम्मा सबसे आगे आगे चल गई क्योंकि मम्मा को सब जल्दी है नानी से मिलने की। वो देखिए गाइस, गाइस ये बड़ा हो चुका है पहले से, पहली बार इतना छोटा था अब इतना बड़ा हो गया। 2000 years later. तो गाइस यार अभी अपन निकल रहे हैं नानी के घर से, केला खाते हैं, उन्होंने अपने को केला भी दे दिया था और अपन अपने और वहाँ पे अपने कारण सोना का भी तो उनके साथ अपन ने खूब मोबाइल चलाया और अपन ने नया गेम भी डाउनलोड कर लिया, गैस करना उसका नाम क्या हो सकता है। तो फटाफट से चलते हैं। तो गाइस यार अभी अपन जा रहे हैं फिर से डीमार्ट, क्योंकि कल अपन से छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, दादी को लेना कुछ और था लेकिन वो लेके कुछ और आ गई थी, उन्हें लेने कुशन कवर थे लेकिन उन्होंने ले फ्लो कवर लिए, खोल के भी नहीं देखे, लगा कि होंगे कुशन कवर, लेके निकले फ्लो कवर। तो अभी फटाफट से उन्हें एक्सचेंज करवा के लिए चलते हैं। और गाइस इस बार तो पार्किंग भी इजीली मिल चुकी है, टू व्हीलर लेके आए थे इसलिए इजीली मिल चुकी है, तो थोड़ा और जाके एक्सचेंज करा के आए तो कुछ और समझ में आया तो वो भी ले लेंगे, सरफ तो ले लेंगे। 1 hour later. तो रिटर्न करना था वो भी अपन रिटर्न करेगी और पापा तो ये लेके जा रहे हैं, वो जो कल दादी ने बिस्किट खाए थे ना आपको याद ही होगा, वो बिस्किट अपन ने 3 और ले लिए हैं, वो मामा के बैग में है, दादी को यम्मी भी लग रहे थे। चलिए फटाफट से चलते हैं, अपनी बाइक यहीं पार्किंग में खड़ी हुई है। आज मम्मा और दादी का व्रत है इसलिए अपन ने अपनी फेवरेट मिठाई ले ली है और मम्मा ने भी ले ली है, तो फिर अपन अब घर चलते हैं। आप देख रहे हैं सामने ये है गोल प्याओ, मस्त तैयारी है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो चुका है बाजार में, आप देख सकते हैं, पता नहीं कोई रॉन्ग साइड घुसेड़ रहा है, सब उल्टा सीधा जा रहे हैं, कुछ सिस्टम ही समझ में आ रहा है। Now I'm never leaving you, leaving your side, 'cause you're mine. आप देख सकते हैं स्विफ्ट डिजायर लेजेंडर, क्या ख्याल है आपको इस बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा, इसकी रेट पता करते हैं अभी अपन। मम्मा भी थोड़ी सब्जी वगैरह लेके आ चुकी है यानी कि घर पे, तो मस्त भरपेट भोजन होने वाला है, तो फटाफट से मम्मा को गाड़ी पे बिठाते हैं और निकलते हैं। ऐसा भी अपन आ चुके हैं घर पे और आप देख सकते हैं अंकल सफाई कर रहे हैं क्योंकि ऊपर से थोड़ी सीमेंट गिर गई थी, तो फटाफट से अपन घर के अंदर चलते हैं क्योंकि बाहर उड़ रही है बहुत ज़्यादा धूल, तो ये भी तो देखना है अपन को कि अपनी फेवरेट मिठाई अपन को खाने के लिए मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो फटाफट से घर के अंदर चल के मम्मा से पूछते हैं। सर अभी अपन आज तो यहाँ पे वॉक करने के लिए थे लेकिन आपको याद होगा कि सुबह पंचू चाचू अपन को यहाँ पे बाइक पे मिले थे और अपन यहाँ पे अपनी कार पार करी थी, तो भी अपन जा रहे हैं लेने नहीं जा रहे हैं, लेने आ चुके हैं अपन और मम्मा भी बैठ चुके हैं। वैसे मम्मा तो खूब गीत गा रही थी कि मैं पैदल आ जाऊँगी। हाँ मैंने तो बोला मैं पैदल आ जाऊंगी, तुमने बोला मैं पैदल आऊंगी, तू कह रहा था कि मम्मा आप पैदल आ जाओगी क्या, आपने कह दिया था हाँ आ जाऊंगी, तो पापा ने कहा बैठ जा, उसके लिए पापा मेन रोड से लेके जाएंगे। बोलो भाई ये क्या बात हुई, मेन रोड से क्यों लेके जा रहे हो, गली में लोग पार्क कर देते हैं कारें और बाइक्स वगैरह, तो बड़ी दिक्कत आती है नाइट में, फिर घर से निकल के आते नहीं है बाहर। अच्छा तो सीधे सीधे चलो, दो मिनट देर से सही लेकिन अपन टाइम से पहुंच जाएंगे ना घर। चले गए फटाफट से घर चलते हैं। हाँ घर चल के फटाफट से मस्त कॉफी पियेंगे, इस मौसम को देखे तो कॉफी पीने का मन हो चुका है, घर जाके अपनी कुछ ये प्लानिंग हुई है तो फटाफट से घर चलते हैं। तो आज के लोग करते हैं पैंड, आई होप आपको लोग अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नोट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू स्माइल बिकॉज़ स्माइल इज सो वैल्यूएबल एंड कॉर्ड नथिंग। बाय।